Love you, superstar. Episode 21, Alia in trouble. अदिति की आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी। गुस्से से वो दांत पीस कर बोली, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको यही खत्म कर दूं। नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, कम ऑन अदिति, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वैसे भी इसे तो सिर्फ सबक ही सिखाना है ना। एक काम करते हैं, इसको मार मार के इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, ताकि कम से कम इस सेमेस्टर तो ये अच्छे से घर पर आराम कर सकेगी। तभी जसमीत भी बोल पड़ी, और ये इसका जो खूबसूरत सा चेहरा है ना, जिसका यूज करके ये हर बार सिद्धार्थ को अपने पीछे बुला लेती है, उसे भी बिगाड़ देते हैं। फिर देखते हैं कि सिद्धार्थ इसकी तरफ दोबारा कैसे देखता है। इतना काफी नहीं है। अदिति जैसे पागल हो गई थी। इसका पूरा चेहरा भी बिगाड़ेंगे, लेकिन पहले इसके सारे कपड़े फाड़ दो। इसके न्यूड फोटो खींचकर सब जगह वायरल कर दूंगी। फिर ये किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। हाँ। फिर अदिति ने एक इशारा किया और दोनों ने आलिया को जमीन पर गिरा दिया। अदिति उसके सीने पर सवार हो गई और इतनी जोर से उसे थप्पड़ मारा कि उसकी उंगलियां आलिया के गोरे गालों पर छप गई, और फिर खड़ी होकर अपनी हील्स उसकी उंगलियों पर रखकर कुचलते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम एक खास म्यूजिक स्टूडेंट हो। अगर मैं तुम्हारी उंगलियां, जिससे तुम अपना पियानो बजाती हो, तोड़ दूं, तो तुम्हें कॉलेज से निकालकर फेंक दिया जाएगा, है ना? और तब तुम किसी काम की नहीं रहोगी। आलिया को इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो दर्द की वजह से चीखना चाह रही थी, लेकिन उसने उन तीनों के सामने अपने मुंह से आह तक नहीं निकाली। एक्चुअली मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है, तभी तुम कुछ खास स्टूडेंट हो। अदिति की तंस कसती हुई आवाज आलिया को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी, जबकि ये बात सच थी। उसकी पिछली क्लास के मार्क्स और ग्रेड्स एवरेज ही थे, लेकिन उसके म्यूजिक के स्पेशल टैलेंट की वजह से ही उसे सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन मिला था। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई का एक मशहूर हाई क्लास कॉलेज था। यहाँ या तो किसी बड़े बिजनेस टाइकून के बच्चों का या हाई क्लास ऑफिसर्स के बच्चों का एडमिशन होता था। उनके अलावा बाकी बच्चे स्पेशल टैलेंट वाले ही होते थे। उन स्पेशल स्टूडेंट्स को भी सिर्फ इसलिए ही लिया जाता था ताकि उनकी वजह से कॉलेज की पॉपुलैरिटी बढ़ सके, और हर जगह होने वाले स्पेशल इवेंट्स में ये स्पेशल स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए तरह तरह के अवार्ड्स जीत सकें। हालांकि सिर्फ ज्यादा टैलेंट होना ही आलिया की परेशानी की वजह नहीं थी। असली परेशानी इस बात की थी कि इन दिनों सिद्धार्थ से उसकी नजदीकियां बढ़ती ही जा रही थी, और वो भी अदिति की आंखों के बिल्कुल सामने। तुम लोग कहते हो कि तुम उसके बहुत बड़े फैन हो। क्या एक फैन की जलन ऐसी होती है कि उसकी हरकतें घटियापन की सारी हदें पार कर जाएं? अच्छा, तो अभी तुझमें इतना दम बाकी है कि तू बकवास कर रही है? जसमीत, अभी इसकी आग ठंडी नहीं हुई है, इसे अभी और पिटाई की जरूरत है। अदिति ने नफरत से फुफकारते हुए जसमीत को और मारने का इशारा करते हुए कहा। जसमीत आंखों में शैतानियत लिए स्माइल करती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। अपने सामने पहाड़ से जसमीत को इतने खतरनाक इरादे लिए खड़े देखकर आलिया ने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल शांत हो गई। आलिया को ऐसे देखकर जसमीत बोली, क्यों डर गई? अब तुम शायद रहम की भीख मांगोगी, है ना?
लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। ये कहकर जसमीत ने अपना भारी भरकम हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका थप्पड़ आलिया के चेहरे पर लगता, वो तेज आवाज में चिल्लाई और डरकर फौरन पीछे हट गई और जल्दबाजी में पीछे हटने के चक्कर में लड़खड़ाकर गिर पड़ी। जसमीत पर नजर पड़ते ही अदिति और नेहा की भी चीखें निकल गईं। बाजी पलट चुकी थी। तीनों लड़कियां अब डर कर आलिया की तरफ देखने लगीं। अदिति ने चीख कर कहा, यू ब्लडी रास्कल, ये क्या किया तुमने? उस वक्त आलिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो धीरे से लड़खड़ाती हुई उठकर खड़ी हुई। तभी अदिति और नेहा ने देखा कि उसके हाथों में एक छोटा मगर बेहद शार्प चाकू चमक रहा था, जो उसने ना जाने कब उन तीनों की नजरों से बचाकर अपने बैग से निकाल लिया था। ये पेंसिल शार्प करने वाला एक छोटा सा टूल था जो सुमन का था, लेकिन भुलक्कड़ होने की वजह से वो ये आलिया के पास ही भूल गई थी और आज यही उसकी जान बचाने के काम आया था। वैसे तो वो बस एक छोटा सा टूल ही था, लेकिन उससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। आलिया ने उसी चाकू से जसमीत के पैरों पर वार किया था, जिसके नतीजे में जसमीत के पैर पे एक छोटा सा कट लग चुका था। वो अभी भी अपना पैर पकड़े हुए जमीन पर गिरी पड़ी थी और डर से कांप रही थी। हालांकि कट छोटा था, मगर फिर भी इतना इफेक्टिव तो था ही कि उन तीनों को फिलहाल डर लगने लगा था। आलिया अब अटैकिंग मोड पर आ चुकी थी। उसने चाकू को इधर उधर घुमाते हुए अदिति और नेहा को भी ललकारते हुए कहा, आओ अब सिखाओ मुझे सबक, मैं देखूं कि झुंड में आने वाले गीदड़ों से मेरा मुकाबला कैसा होता है। अदिति ने भी जब उसका ये रूप देखा तो वो समझ गई थी कि अब आलिया अटैकिंग मोड में आ चुकी है। अदिति उसका इरादा भांप कर घबराते हुए बोली, आलिया पागल मत बनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं राजन सिंह की एक लौती बेटी हूँ। अगर मुझे टच भी किया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अदिति आलिया को डराती हुई बोली, जबकि वो खुद भी आलिया से डरी हुई थी कि कहीं वो जसमीत की तरह उस पर हमला करते हुए उसके चेहरे या बॉडी पर चाकू ना मार दे। आलिया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, इकलौती तो तुम तब रहोगी जब मुझसे बच पाओगी। मुझे इस तरह छेड़कर अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। आलिया को इस तरह रंग बदलते देखकर अब अदिति का सारा गुस्सा डर में बदल चुका था। जहां पहले वो गुस्से में उस पर इतनी बुरी तरह अटैक कर रही थी, वहीं अब वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए जसमीत और नेहा के पीछे जाकर छुपने लगी थी। आलिया की आंखें कमजोरी से बंद हुई जा रही थी। उसने अपने जख्मी हाथ को इतना जोर से दबाया कि दर्द की वजह से बेहोशी में जाता उसका जहन वापस होश में आ चुका था। दर्द की टीसें रह रहकर आलिया को हथियार डालने पर मजबूर कर रही थी, मगर आलिया जानती थी कि अगर अभी उसने खुद को इन तीनों के सामने कमजोर पड़ने दिया तो ना जाने वो खुद यहां से सही सलामत वापस भी जाएगी या नहीं। आलिया को मालूम था कि अभी अगर वो खुद को थोड़ा भी डिफेंसिव मोड में ले गई तो ये तीनों लड़कियां उसके साथ किसी जानवर जैसा सलूक कर सकती हैं। शायद वो अपनी धमकी की तरह ही वाकई उसके कपड़े नोचकर उसको मारती पीटती,
साथ ही उसके न्यूड फोटोज खींचकर वायरल कर देती। और जिस बैकग्राउंड से अदिति बिलोंग करती थी, तो हो सकता था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। आलिया के मन में इस वक्त कई ख्याल आ रहे थे। वो सोच नहीं पा रही थी कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, कि तभी वहां अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आलिया, अपना चाकू फेंक दो। सारी लड़कियां उस आवाज को सुनते ही एकदम चौंकते हुए पलटी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।